वालेकुम। मैं सांगली से मंदर कटकर, मेरा व्यापार है बैग बनाने का। जब मराठी बोलते हो चलता है तो बोलिए बोलिए, मराठी में बोलिए। हाँ, पैगंबर जब ये कुरान एवढं व्यवस्थित आहे सगळं, म्हणजे मोहम्मद पैगंबर आले त्यावेळीच कुराणाचं हे उघड झालं, ह्याच्यावर काय लावून दिलं नाही? मैं मराठी समझता हूँ अलहमदुलिल्लाह, लेकिन मैं रीचेक किया हूँ क्या सही समझ रहा हूँ क्या नहीं। मैं अंग्रेजी में महारत रखता हूँ, उर्दू थोड़ी बहुत जानता हूँ, मराठी समझता हूँ, क्योंकि जब मैं मेडिकल डॉक्टरी करता था तो मराठी में पेशेंट आते थे, जो जितने लव्स मराठी के मतलब खाए त्रास तापे थे क्या, ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। बाकी चीज जरा भाई साहब का सवाल था कि कुरान मजीद नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसके पहले क्यों नहीं आया? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। मेरा बेटा मुझसे पूछता है, कहता है अब्बा पिता मुझे डॉक्टर बनने का है, आप स्कूल में क्यों डाले, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालिए। भाई पहले तो आप स्कूल में जाइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंडर्ड, फिर कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज। इसी तरीके से अल्लाह सुबहाना वताला खुदा जानता है कि इंसान कब समझ सकेगा, तो सबसे पहले उन्हें वो वही नाजिल की जो इंसान समझ सकता है। फिर इंसान की जब तरक्की होने लगी, अल्लाह सुबहाना वताला खुदा जानता है कि 1400 साल पहले अभी इंसान ये कुरान को समझ सकेगा। और इसका जिक्र बाइबल में भी है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 और 14 में ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से टू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ, मुझे बहुत कुछ आपको कहने का है लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड यू इनटू ऑल ट्रुथ, जब वो आएगा रूह हक वो आपको सच्चाई दिखाएगा। बाइबल में इसका जवाब है, क्योंकि उस वक्त 1400 साल के पहले इंसानियत इस कुरान को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाती थी। इसीलिए जो अहम है, फंडामेंटल्स है, बुनियादी जो मैसेज है, पैगाम है, वो सारी किताबों में बुनियादी मैसेज क्या है, खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो। उसके पहले शराब हराम कहा था कहा नहीं था वो इतना अहम नहीं है। अहम है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, खुदा की इबादत करो। उसके बाद एक पैगंबर आने वाला है, बाकी किताबों में वेद के अंदर, उपनिषद में, बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, बुद्धि स्क्रिप्चर, सारे किताबों में जो अहम मजाहिब के हैं उसमें लिखा हुआ है खुदा एक है, बुतपरस्ती मत करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है। तो अल्लाह ताला जानता है इंसान के बारे में, जिस तरीके से मेरा बेटा जो 11 साल का है अभी मेडिकल कॉलेज जा सकता है, पहले फर्स्ट करो सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंडर्ड जाओ 11 12 फिर मेडिकल कॉलेज। तो इसी तरीके से अल्लाह जो हमारे बनाने वाला, जो हमारा खालिक है, वो जानता है कब किस चीज इंसान समझ सकता है। तो 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खुदा जान गया अभी सही मौका है, आखिरी कलाम कुरान भेजा, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कोई भी कलाम नहीं आएगा अल्लाह की तरफ से, कोई भी वही नहीं, कोई भी पैगंबर नहीं। अगर कोई कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि वो पैगंबर है, उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाने का। और ये सिर्फ कुरान में नहीं लिखा है, आपकी किताब में लिखा है, कल के अवतार अंतिम ऋषि है, बाइबल में लिखा है, बुद्धिस्ट किताबों में लिखा है। तो इसीलिए जब वक्त सही था अल्लाह ने सही किताब नाजिल की और आखिरी पैगंबर को भेजा।